पटवार एसोसिएशन की स्ट्राइक का जो रियासतगीर स्ट्राइक है, इसका आज ये 11वां दिन है। ये स्ट्राइक इंशाल्लाह तब तक जारी रहेगी जब तक हुकूमत की तरफ से हमारे मुतालबात के बारे में कोई ठोस इकदाम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक ये स्ट्राइक जो है जारी रहेगी। हमारे मुतालबात जहाँ तक हैं वो रोज़ हम मीडिया के ज़रिए और हुकूमत के पास ऑलरेडी हमने बहुत सारे जो चार्ट ऑफ डिमांड्स दिए हुए हैं, उसमें सबसे आलम मकाम पे जो है ग्रेड पे का, पटवारी साहिबान की ग्रेड पे का मसला है, जो हम एट पार विद अकाउंट्स असिस्टेंट्स एंड टीचर्स चाहते हैं 2800 रुपये का ग्रेड पे इनको दिया जाए। और दूसरी क्रिएशन ऑफ पटवार हल्काज एंड जीके सर्कल्स, जो पिछले 100 साल से डिलिमिटाइज नहीं किया गया है। अगर ये डिलिमिटाइज होता तो रोज़गार के जो मौके हैं वो मज़ीद पैदा होते, बेरोज़गारों की यहाँ कसीर तदाद है। और जो पब्लिक सफ़र करती है पटवारी साहब, जिसका एक बहुत ज़्यादा एरिया होता है उसको कैटर करना पड़ता है, ये आज के दौर में अब मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं। हमारी ये पब्लिक फ्रेंडली डिमांड है कि क्रिएशन ऑफ जीके सर्कल्स और पटवार हल्काज का क्याम जो है कायम किया जाए, इसको डिलिमिटाइज किया जाए और बराह रास्त नायब तहसीलदार की भर्ती पर रोक लगाई जाए, अलाउंसेस बढ़ाए जाए। और पटवारी के पास वाहिद मुलाजिम है सरकारी जिसके पास ऑफिस नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे लिए ऑफिस बनाएं, और जब तक ऑफिस बनाएंगे तब तक हमें रेंट दिया जाए कि जो हम प्राइवेट अकोमोडेशन लेते हैं। हम सरकार से, मैं आज आपकी वसादत से सरकार से अपील करना चाहूँगा कि ये लोग जो यहाँ पे पटवारी तबका है, ये आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे इस वक्त माह रमज़ान में इस धूप में और प्यासे भूखे प्यासे यहाँ पे अपने मुतालबात के हक में नारे बुलंद कर रहे हैं, यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, आपसे रूठे हुए हैं। आपका बसियत जिम्मेदारान घर के सरबरा के तौर पे मैं हुकूमत से कहूँगा, आप तो घर के सरबरा हो हंजूरा साहब, आप तो इस घर के सरबरा हो, क्या आपको अपने बच्चों की फिक्र नहीं है? क्या आपको अपने बिलकते सिसकते बच्चे नजर नहीं आ रहे? आप हमें बताइए कौन सी एक डिमांड हमारी ऐसी है जो जायज़ नहीं है? आप एक डिमांड हमारी बताइए। अगर आप खुद कहते हो, आपका MOS कहता है, हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर सामून साहब कहता है, अगर ये सब कहते हैं तो फिर हमारे मुतालबात को आप पूरा क्यों नहीं करते हो? मेरी गुजारिश है कि जल्द अज जल्द हमारे मुतालबे जो हैं वो पूरे किए जाए, और आवाम से मेरी गुजारिश है कि थोड़ी देर और आप सब्र कीजिए, हम आपके खादिम हैं, हम आपके खादिम बन के रहेंगे। थैंक यू।